सब्सक्राइब कीजिए अनपेड गुरुजी चैनल को, दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज का जो ट्यूटोरियल है उससे प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस या जिन्हें हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, उन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे चैनल के जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे या जितने भी एजुकेशनल वीडियोस होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शंस होते हैं वो सी लैंग्वेज में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क या इम्पोर्टेंट वर्क परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये होते क्या हैं, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जिनका वर्क क्या होता है। द प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शंस आर यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं कीबोर्ड से या मॉनिटर पर, वो प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, ये दोनों फंक्शंस, बोथ फंक्शंस आर लाइब्रेरी फंक्शन, मतलब ये दोनों फंक्शन, चाहे वो प्रिंट एफ फंक्शन हो या स्कैन एफ फंक्शन हो, ये दोनों फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस मतलब ये पहले से सी लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है उसमें डिफाइन किए गए हैं और जिन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं प्रोग्राम। तो ये रेडीमेड फंक्शन है या हम कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो सी लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी होती है, ठीक है, उसमें डिफाइन किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये फंक्शंस जो सी लैंग्वेज की studio.h हेडर फाइल होती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उसमें स्पेसिफाई किए गए हैं या इनकी जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल होती है studio.h उसमें डिफाइन किए गए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है उसे देख लेते हैं, जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है उसे देख लेते हैं। दोस्तों, प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द आउटपुट ऑपरेशन ऑफ इन सी लैंग्वेज। दोस्तों, जो प्रिंट एफ फंक्शन होता है वो क्या करता है, ये जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसे कंसोल पर डिस्प्ले कराता है। इट प्रिंट्स द स्टेटमेंट्स टू द कंसोल। कंसोल मतलब हम कह सकते हैं मॉनिटर पर या स्टैंडर्ड जो आउटपुट होता है, ठीक है, उसके लिए इसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी स्टेटमेंट्स जब हमें डिस्प्ले कराने होते हैं मॉनिटर पर, तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका जो सिंटैक्स होता है वो देख लेते हैं। सिंटैक्स इसका क्या होता है, प्रिंट एफ, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक कीवर्ड है प्रिंट एफ। इसके अलावा डबल कोट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमें डिस्प्ले कराने होते हैं कंसोल पर, उन्हें यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट, जो भी हमें स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना होता है या जो भी स्टेटमेंट को हमें डिस्प्ले कराना होता है, वो हम इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में या डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आर्गुमेंट लिस्ट होती है, जैसे कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वो वेरिएबल का नेम यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। अब देख लेते हैं, जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, वो होती है अगर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं या इंटीजर वैल्यू वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा हम लोग यूज करेंगे %d, तो वो होता है इंटीजर के लिए। इसके अलावा जो %f होता है वो होता है फ्लोट के लिए, ऐसे ही %c होता है कैरेक्टर के लिए, %f होता है वो होता है फ्लोट के लिए, %c होता है कैरेक्टर के लिए। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, %s हमेशा स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो हम लोग जब भी कोई वैल्यू, जिस टाइप की वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं, उसी टाइप की फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, जो स्कैन एफ फंक्शन होता है उसका वर्क देख लेते हैं। द स्कैन एफ फंक्शन इज यूज फॉर द इनपुट, इट रीड्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द कंसोल। मतलब जो स्कैन एफ फंक्शन होता है वो कंसोल से, या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, जो कि कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से डेटा को रीड करता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है, वो सेम सिंटैक्स होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट। देख लेते हैं, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले दोस्तों, सपोज अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो हमें, क्योंकि इन प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो हेडर, जो हेडर फाइल हमने अभी बताई studio.h, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन होती है, इस वजह से हमें इसे अपने प्रोग्राम के साथ यूज करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं उसे लिंक करना पड़ेगा। तो वो लिंकिंग वाला सेक्शन, जैसे मैं
प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, इंक्लूड को यूज किया जाता है। इंक्लूड एक्चुअल में एक डायरेक्टिव होता है, जो इंक्लूड होता है वो एक डायरेक्टिव होता है जिसका वर्क क्या होता है कि जो भी आपकी हेडर फाइल है जैसे स्टडियो डॉट एच है, तो स्टडियो डॉट एच को इसके साथ लिंक करता है, तो वो एक डायरेक्टिव होता है इंक्लूड। इसके अलावा देख लेते हैं, जैसे हमने एक प्रोग्राम किया हुआ है, दो इंटीजर वेरिएबल लिए हैं एक्स और वाई, ठीक है। और अब जैसे ये हमने प्रिंट एप को यूज किया, प्रिंट एप फंक्शन को, जैसे मैंने अभी बताया जो प्रिंट एप फंक्शन होता है वो करता क्या है कि मॉनिटर पर किसी स्ट्रिंग को या किसी स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराता है। तो यहाँ पर जो एंटर टू नंबर एक हमने स्टेटमेंट दिया है, ये जब भी प्रिंट एप फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये जो मैसेज डबल कोट्स के अंदर दिया गया है ये एज इट इज मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर टू नंबर, ठीक है। तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि हम दो नंबर रीड करेंगे इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड से, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, ठीक है, तो वैल्यू हम किस टाइप की रीड कर रहे हैं कीबोर्ड से, इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पर हम दो, क्योंकि दो वैल्यू रीड कर रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स में और एक वेरिएबल वाई में, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो दो बार परसेंट डी यूज करेंगे। परसेंट डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके लिए है इंटीजर के लिए, इंटीजर के लिए, इस वजह से हमने यहाँ पर परसेंट डी यूज किया। अब जो वैल्यू हम रीड करते हैं वो जाएगी कहाँ, वो इन एक्स और वाई वेरिएबल जो हमने क्रिएट किए उनकी लोकेशंस पर चली जाती है। आगे देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, फिर जो वैल्यू आई है वो ऐड करके हमने जेड थर्ड वेरिएबल लिया, जेड जेड में असाइन कर दिया, और जेड को अब देखो जैसे हमें डिस्प्ले कराना है जो जेड की वैल्यू है, वैल्यू किसमें इसमें इंटीजर टाइप की होगी, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें डिस्प्ले कराना है कहाँ पर, मॉनिटर पर। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमेशा क्या यूज होगा, प्रिंट एप फंक्शन। तो अब क्योंकि जेड क्या इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर वैल्यू मॉनिटर पर डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा इंटीजर के लिए हमेशा क्या होगा, परसेंट डी। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज किया, परसेंट डी, और जो वैल्यू है वो किसमें है, जेड में, तो यहाँ पर हमने जेड को स्पेसिफाई कर दिया। तो ये तरीका होता है प्रिंट ऐप को और स्कैन ऐप को यूज करने का। तो प्रिंट ऐप हमेशा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा कोई भी स्टेटमेंट मॉनिटर पर, इसके अलावा जो स्कैन ऐप होगा वो क्या करेगा, वो रीड करेगा कीबोर्ड से डेटा को। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप फंक्शन होता है वो क्या होते हैं, वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।